नहीं ओ यार यार ये कितनी औसम है यार। गाइस मेरा आज का ब्लॉग है रेड लाइट एरिया के लिए जो कि कमाटीपुरा के नाम से मशहूर है और हम लोग आ गए हैं ग्रांट रोड रेलवे स्टेशन पे। गाइस मेरा आज का ब्लॉग है रेड लाइट एरिया के लिए जो कि कमाटीपुरा के नाम से मशहूर है और हम लोग आ गए हैं। दोस्तों हम लोग पहुंच गए हैं कमाटीपुरा में और सभी आपको रोड के साइड में ऐसी दिखती मिलेगी गाइस जैसे आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये देखिए रेड कलर का पहन के और इधर भी आइए आपको दिखाता हूँ। आगे थोड़ा चलिए, हम लोग चलते चलते वीडियो बना रहे हैं गाइस, तो आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाएंगे, आपने भी देखा ना। और ऐसे ही पूरे गले में आपको मिलेगी जहाँ तक आप जाओगे। ये देखिए रेड कलर का सूट पहन के खड़ी हैं। और गाइस हम लोग दूसरी तरफ भी चलते हैं और आपको जगह जगह पर दिखाते रहेंगे। और यहाँ गाइस कहने में आता है, लोग कहते हैं कि मतलब यहाँ इन लड़कियों के लिए मतलब दलाल रहते हैं, इनके लिए लड़के मतलब ढूंढ के लाते हैं। उनके चक्कर में गाइस लोग कहते हैं पढ़ना मत वरना कहीं भी ले जा सकते हैं वो लोग। सबसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, मैं आपके लिए इतनी अच्छी अच्छी वीडियो बनाता हूँ और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो तो प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और गाइस मैं आपको बता दूं, लोगों का कहना है कि यहाँ 14-15 गले हैं और सब में मतलब कमाटीपुरा के अंदर सब में यही काम हो रहा है। मतलब यहाँ ये लीगल है, कुछ अनलीगल नहीं बताया जा रहा है, यहाँ सब लोग कह रहे हैं ऐसा। दोस्तों वैसे तो मुंबई में बहुत एरिया है रेड लाइट एरिया है, लेकिन जितना मशहूर कमाटीपुरा मुंबई के अंदर उतना कुछ भी नहीं। तो चलिए मैं आपको आगे और ले चलता हूँ। देखिए यहाँ भी खड़ी हैं गाइस और यहाँ हमारे वीडियो में थोड़ा थोड़ा अंधेरा भी आ रहा है, लेकिन क्या करें गाइस, मोबाइल से बना रहे हैं ना इसके लिए। और चलिए आपको आगे और भी दिखाते हैं गाइस। तो देखिए हम दूसरी गली में आ गए हैं जहाँ पे रोड पे खड़ी हैं। हाँ तो गाइस कभी भी आप अगर यहाँ आना तो किसी के चक्कर में मत पड़ना। जैसे कोई आदमी बोले मैं सेटिंग कराता हूँ मैं ले जाता हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं करना। और देखिए अगर अच्छा लग रहा है वीडियो को तो वीडियो को लाइक कर दो गाइस और चैनल को तो सब्सक्राइब कर दो। आपके लिए मैं क्या क्या करता हूँ और कहाँ कहाँ जा कर वीडियो बनाता हूँ, इतनी मेहनत करता हूँ, फिर भी आप ना वीडियो को लाइक करते हो ना वीडियो पे कमेंट करते हो। तो गाइस देखिए यहाँ रोड पे भी खड़ी हैं। देखो आप जिधर भी कमाटीपुरा के अंदर मतलब 14 गली हैं, मतलब 14-15 गली हैं लोग कहते हैं, आप जिधर भी जाओगे ऐसे आपको खड़ी मिलेंगी। देखिए कितने ध्यान, कभी भी लोग अगर देखने लगे हैं तो आप दूसरी तरफ चले जाना, अगर आपको कुछ करना नहीं है तो ज़्यादा ध्यान मत देना। और गाइस फिर धीरे धीरे हम लोग बढ़ते हैं वीडियो के आगे भी और आपको और भी जगह दिखाते हैं। आपको मैं बता दूं गाइस यहाँ हर प्रकार के मिल जाएंगे आपको, मतलब ज़्यादा उम्र 45 साल और 16 साल 17 साल, यहाँ देखिए 18 साल, जैसा आप मतलब चाहोगे वैसा आपको मिलेंगी। यहाँ बैठे भी हैं देखिए। और आगे बढ़ते हैं हम लोग वीडियो के गाइस, आपको दिखाते रहेंगे और लास्ट में मैं आप लोगों को बात भी करके दिखाऊँगा गाइस। हाँ तो यहाँ देखिए दोस्तों ऑटो के साइड में भी लोग खड़े रहते हैं, लेकिन इतना याद रखिएगा आप कभी भी आइएगा तो ऐसे मतलब किसी से मत बोलिएगा, शायद कोई अच्छा इंसान भी हो सकता है, मतलब यही नहीं कि सब वही हैं और आप जाके किसी को बोल दो और फिर आपको मार पड़ जाए, तो ऐसा कुछ मत करना गाइस। आपको आगे भी देखिए वहाँ भी खड़े रहते हैं लोग, यहाँ देखिए ये जो रथ खड़ा है और इसके साइड में भी खड़े हैं और इधर भी आपको मैं दिखाता हूँ आगे चल के थोड़ा, कि दो हर साइड में वहाँ लोग मिलेंगे। नहीं। और गाइस वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जाता हूँ तो ऐसा कुछ नहीं करना। और देखिए अगर अच्छा लग रहा है वीडियो को तो वीडियो को लाइक कर दो गाइस और